इसी देवाशीष मिश्रा। सो आज हम लोग बात करेंगे कल जो इंडिया का विन हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। फिर से आज यूजुअल ईच एंड एवरी मैच विराट कोहली इज परफॉर्मिंग। कल भी हाइस्ट रन स्कोर था विराट कोहली और पूरा T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाई स्कोरर बन गया है विराट कोहली ओनली 23 मैचेस। पिछले जयवर्धन है महिला जयवर्धन श्रीलंका का प्लेयर ही हैज प्लेड 33 मैचेस एंड स्कोर्ड 1000 समथिंग रन्स बट विराट कोहली जस्ट क्रॉस्ड इट विद इन 23 मैचेस जस्ट 23 मैचेस एंड इफ यू काउंट ऑल T20 एंड 50 ओवर वर्ल्ड कप मैचेस देन विराट कोहली इज एट नंबर 5 पोजिशन अकॉर्डिंग टू द रन स्कोर। सचिन तेंदुलकर इज फास्ट एंड विराट कोहली इज एट नंबर 5। सो यू कैन इमेजिन वट काइंड ऑफ प्लेयर इज विराट कोहली। वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन विराट कोहली का जारी है। सो विराट कोहली तो अनबिलीवेबल प्लेयर है, सिर्फ मैं नहीं, इंडिया का प्लेयर नहीं, इंडिया का जो दर्शक है वो नहीं, सारा विश्व विराट का फैन है। कल मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान का सब प्लेयर जितना फॉर्मर प्लेयर है वो भी विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे। क्यों विराट कोहली इतना कंसिस्टेंट है, कैसे विराट कोहली इतना कंसिस्टेंट के साथ कॉन्फिडेंट के साथ रन बनाते चला जा रहे हैं ड्यू टू इज फिटनेस। सब लोग बोल रहे थे टेक्निक तो सब प्लेयर के पास है, नहीं तो कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेल सकता, इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकता, लेकिन जो फिटनेस है उसी की वजह से विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर भी वही बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर भी वही बात बोल रहे हैं। सो इंडिया के प्लेयर तो फॉर्मर प्लेयर तो बोल ही रहे हैं। सो विराट कोहली का प्रेज तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बाकी जो प्लेयर है। नाउ KL राहुल स्टार्टिंग परफॉर्मिंग, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया। नाउ अगर रोहित शर्मा भी अच्छा प्रदर्शन करने लग जाएगा तो फिर इंडिया को हराना सबसे मुश्किल हो जाए कि ओपनिंग पार्टनरशिप अगर अच्छा बन जाते तो विराट कोहली तो रुक के खेल रहा है, बाकी सूर्य कुमार यादव इज अनबिलीवेबल। जिस अंदाज से सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहा है वो अनबिलीवेबल। बाकी दिनेश कार्तिक को थोड़ा सा सोच के खेलना पड़ेगा तो फिर इंडिया अनबिलीवेबल हो जाएगा। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया जीत के ही रहेगा जिस अंदाज में इंडिया खेल रहा है। और हम लोग भूल रहे हैं हरदीप सिंह को, क्या बोलो रहे हो। कल रोहित शर्मा आखिरी ओवर मोहम्मद शमी था, भुवनेश्वर कुमार था, लेकिन हरदीप को पहले चूज किया। कितना कॉन्फिडेंस है कैप्टन का हरदीप सिंह के ऊपर, वो परफॉर्म करके भी दिया। सो आप लोग का क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए, इंडिया इस बार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। तो मुझे तो लग रहा है इंडिया इस बार जीत रहा है। सो ऐसे अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।